हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कशन में हम 17 जून और 18 जून दोनों की न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि संडे को ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी उनको कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग फॉर मेजर इंडियन क्रॉप्स। अब ये है क्या आपके दिमाग में होगा, ये एक बुक का नाम है जो कि नाबार्ड के द्वारा लॉन्च है वो की गई है, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब है क्या क्या इसका थोड़ा सीनेरियो वगैरह है, तो बैकग्राउंड के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो, अभी नाबार्ड और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICRIER, इन दोनों के द्वारा एक रिसर्च वगैरह की गई थी और उसके तहत एक्चुअली ये बुक है इसका निर्माण है वो किया गया, मतलब ये बुक है वो बनाई गई थी नाबार्ड के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि दोनों इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहे थे उस दौरान नाबार्ड ने एक बुक है वो बनाई है। अब इस बुक में है क्या, इस बुक में एक्चुअली ये बताया गया है कि भाई जो हमारे देश में 10 जो मेजर क्रॉप्स है ना, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, फिर जो दालें हो गई कुछ इंपॉर्टेंट, वो जो 10 मेजर क्रॉप्स हैं उनके लिए एक्चुअली हमारे देश में पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब जो 10 मेजर क्रॉप्स हैं उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी का डाटा किस प्रकार है, उस पूरे डाटा को यहाँ पे बताया गया है कि उनको कितना पानी चाहिए होता है, कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है, तो उस अवेलेबिलिटी के लिए डाटा है ये बुक है वो बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग फॉर मेजर इंडियन क्रॉप्स वो एक बुक है नाबार्ड की, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। इसके साथ ही इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें वाटर जो क्राइसिस आने वाले हैं इनमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और जो सोयल की फर्टिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करना है, और सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो बाकी और अन्य मेथड्स हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो यूरिया वगैरह का यूज़ हो रहा है, जो फर्टिलाइजर वगैरह है, इनका यूज़ हमें कम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोयल को एक तरह उसकी क्वालिटी को लो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पर इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हेल्थ को भी नुकसान है वो पहुँचा रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर की गई है। बट मेनली जो फोकस किया गया इसमें वो किया गया है ये वाटर की अवेलेबिलिटी का डाटा वो इसमें दिया गया है कि भाई जो 10 मेजर क्रॉप्स हैं उनकी, 10 मेजर क्रॉप्स का मतलब ये है कि ये मेन हमारे देश की वो 10 वो फसलें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं, और मैक्सिमम 60% एरिया में इनकी खेती है वो की जाती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है पिनाका मिसाइल के बारे में। तो पिनाका एक मिसाइल है, अभी उसके लेटेस्ट वर्जन का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, आप बोल सकते हो कि उसको अभी लॉन्च है वो किया गया कि भाई किस तरीके से वो काम वगैरह कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पिनाका क्या, UPSC पूछ सकती है, कोई सबमरीन है या फिर कोई अनमैंड व्हीकल है या फिर किस तरीके से, तो हमें ध्यान आना चाहिए कि भाई ये एक मिसाइल है जो कि अभी रिसेंटली उड़ीसा के एक चांदीपुर, आपको पता है वहाँ डिस्ट्रिक्ट है आइलैंड सॉरी, वहाँ से इसको भी लॉन्च करके इसका जो प्रक्षेपण वगैरह है वो किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है डायरेक्टली। अब इसके कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं कि जैसे एक तो ये गाइडेड फॉर्म है, मतलब पहले अनगाइडेड फॉर्म में काम करती थी क्योंकि इसमें एक्चुअली पहले जो वेपन्स वगैरह की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो अभी जो एडवांस फॉर्म लेके आई गई है पिनाका मिसाइल की वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ अहम बात यह थी इसकी रेंज है उसको भी बढ़ा दिया गया है, पहले रेंज थी इसकी वो थी 40 और अभी इसकी रेंज को कर दिया है 70 किलोमीटर, और इसके साथ इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब टारगेट जैसे यहाँ पे टारगेट है इसको डायरेक्टली हिट करेगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई है। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स है, तो आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है अभी रिसेंटली, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। मेन पॉइंट ये आता है कि पिनाका है क्या। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो एक्चुअली इसके बारे में देखते हैं, CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स क्या है ये। देखो, ये जो इंडेक्स है ये एक तरीके की रिपोर्ट के तौर पर तैयार किया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो ये इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नीति आयोग ने इसको बनाया, तो हमें ध्यान रखना है एक रिपोर्ट या एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि कंपोजिट वाटर मतलब पानी को कंपोजिट करना है और मैनेज करने की बात यहाँ पे कुछ की जा रही है, मतलब कुछ वाटर मैनेजमेंट लाइक दिस ऐसा कुछ है। इस रिपोर्ट में एक्चुअली ये बताया गया है कि भाई हमारे देश में पानी के क्राइसिस है वो आने वाले हैं, इसलिए गवर्नमेंट को पहले से प्रिपेयर रहना है और क्या क्या स्टेप वगैरह उठाने हैं और कहाँ कहाँ के इश्यूज वगैरह बढ़ सकता है। तो एक तरीके से जो ये रिपोर्ट है इसमें भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस पर फोकस हो किया गया है, मतलब जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, इनके बीच में अवेयरनेस वो की जाएगी कि भाई वाटर क्राइसिस आ सकता है, आने वाला है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट पे ऊपर फोकस करें ताकि फ्यूचर में हमें इस समस्या से ना जूझना पड़े। क्योंकि देखो, आपको पता है कि रिसेंटली वाटर क्राइसिस से आपको पता है कि केप टाउन साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, वहाँ पे वाटर क्राइसिस है वो आ चुके हैं एक तरीके से, तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज में वाटर क्राइसिस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने या नीति आयोग ने ये स्टेप उठाया कि भई हम पहले से वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर लें ताकि हमें कोई लॉस वगैरह ना हो और हमें एक अच्छा रिजल्ट है
वो मिल सके। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर का हमें यूज़ है वो करना है, और जो ग्राउंड वाटर को हम एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं हमें रोकना है। इसके बाद में इसमें एरिया रिस्टोरेशन की बात की गई है कि भाई पानी को हमें पुनर्भराव भी करना है, मतलब बारिश के दौरान जो पानी है उसको कुओं की हेल्प से वापस ज़मीन के अंदर भेजना है। इसके साथ इसमें इरीगेशन पर फोकस किया गया है कि भाई सिंचाई वगैरह है उसमें ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि पानी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम यूज होती है ड्रिप इरिगेशन सिंचाई में। इसके साथ ही इसमें जो फार्म प्रैक्टिसेज वगैरह हैं उनके ऊपर भी बातें की गई हैं कि भाई जो किसान वगैरह जो फार्म वगैरह में खुले में पानी वगैरह देते हैं उसको किस तरीके से वो कम कर सकते हैं और कैसे कम पानी में अच्छी फसल वो पा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में फोकस किया गया है। इसी के साथ इसमें बताया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर है वो एक्चुअली सभी लोगों को मिले, सैनिटेशन जैसी फैसिलिटी मिले, इसके लिए अहम बात ये होती है कि हम पानी का सही ढंग से यूज़ करें, ऐसा नहीं हो कि पानी को हम अंधाधुंध वेस्ट कर रहे हो, पानी वेस्ट बहा रहे हो, तो वो सारी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद में बात आती है लास्ट में, वो आती है पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट को कैसी तो पॉलिसी बनानी है और किस तरीके से प्रशासन को काम करना है ताकि वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम है वो किया जा सके। तो ये कंप्लीट जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है वाटर मैनेजमेंट के लिए और कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं किया है, मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो इसमें बताया गया है कि गुजरात ने वाटर मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है और सबसे अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, जबकि सबसे वर्स्ट कंडीशन देखी जाए तो वो आती है झारखंड की, उसके बाद हरियाणा की और यूपी और बिहार। तो ऐसे यूपी से थोड़ा पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ठीक किसके हरा है सबसे बेकार, थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई वहाँ पर पानी को लेकर कुछ काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है आर्टिफिशियल लीफ के बारे में। तो अभी रिसेंटली IISc के जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियल लीफ वो बनाई गई है। किसके किस चीज़ से मिलकर बनाई गई है लीफ? यह लीफ मेनली बनाई गई है, वो बनाई गई है एक तो एल्यूमिनियम सल्फेट और इसी के साथ जिंक सल्फाइड। ये आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड है, इन दोनों को मिला के एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम पत्ती बनाई गई है। जो उसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, एक तरीके आप बोल सकते हो डिवाइस ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल लीफ है, इसका मतलब कोई ना कोई डिवाइस ही बनाया, मशीन ही बनी है। इसका काम ये होगा कि जो सनलाइट होती है ना उसको एक्चुअली केमिकल फ्यूल में कन्वर्ट कर देगी, मतलब लाइट जो सनलाइट होती है सूरज की जो किरणें होते हैं इनको केमिकल फ्यूल में कन्वर्ट कर देगी, और फिर उस केमिकल फ्यूल का हम यूज़ करके और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही उसका फ्यूल के फॉर्म में भी हम यूज़ है वो कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिक एग्जांपल मतलब यूजेज हैं वो दे दिए गए हैं। आर्टिफिशियल लीफ बनाई किसके द्वारा गई है, किस किस से बनाई गई है क्या जो इस मैकेनिज्म, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे UPSC का क्वेश्चन पूछने का चांसेज वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है हमारी परतापी नर्मदा इंटर स्टेट रिवर लिंक के बारे में। तो क्या है परतापी नर्मदा रिवर जो एक्चुअली लिंक की बात हो की गई है? देखो एक्चुअली कि ये प्रोसीजर है, मतलब इसमें होगा क्या कि जो आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट है उससे पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा गुजरात वाले एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के सौराष्ट्र और जो कच्छ वाला एरिया ना वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है। तो जो वेस्टर्न घाट में जो सरप्लस पानी होगा उसको एक्चुअली सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया में मतलब नर्मदा रिवर वाले एरिया में पानी को भेजना है। सीधी सीधी इसमें मेन फोकस इस चीज़ पर किया गया। एक तो UPSC ऐसे पूछ सकती है कि इससे कौन से क्षेत्र को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इससे फायदा होगा सौराष्ट्र और इसी के साथ ही कच्छ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन जाते हैं, जो भी सरप्लस या एक्स्ट्रा पानी होगा उसको वेस्टर्न घाट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा सौराष्ट्र तक या कच्छ तक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम इन रिवर के बारे में देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बन जाता है, तो UPSC रिवर्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती है। एक सेकेंड, ये आप मैप में देख सकते हो, काफ़ी छोटा मैप है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे नर्मदा रिवर आप देख सकते हो। नर्मदा रिवर और सोन रिवर का दोनों का ओरिजिन सेम ही है। आपको बता दूँ कि नर्मदा रिवर और सोन रिवर दोनों निकलती हैं अमरकंटक से। अमरकंटक है कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले एरिया पे है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और इन पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा रिवर और सोन रिवर। सोन रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और नर्मदा रिवर यहाँ से डायरेक्ट ओरिजिन होती है, फिर यहाँ से होते हुए ये एक्चुअली इस वाले एरिया में गिरती है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये जो कौन सी खाड़ी है, कौन सी गल्फ है, बे है, इसके बारे में आपको नाम बताना है। अब ये न्यूज़ में भी थी ये रिसेंटली, इस गल्फ का नाम क्या है? बे ऑफ खंबात है, बे ऑफ कच्छ है, कौन सी है, इसका नाम बताना है। गल्फ ऑफ कच्छ खंबात जो भी है आपको इसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि कौन सी गल्फ। और यहाँ पे रिसेंटली एक रोरो सर्विस स्टार्ट की गई थी, उसका नाम भी आपको बताना है कि जो रोरो सर्विस है वो कौन सी जो गल्फ है, कौन सी जो खाड़ी है वहाँ पे स्टार्ट की गई है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट। आप देख सकते हो कि ये नर्मदा रिवर यहाँ से अमरकंटक से निकलती हुई इसके बाद में आगे फ्लो करती हुई सौराष्ट्र वाले एरिया से यहाँ पे जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है हमारी तापी रिवर। तापी रिवर या ताप्ती रिवर है वो भी एक्चुअली ये मध्य प्रदेश से निकलती है और इसके बाद ये भी अरेबियन सी में गिरती है और ये मेनली पैरेलल बहती है नर्मदा रिवर के। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये बतानी है जिसका अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये यहाँ पे अमरकंटक है और यहाँ से नर्मदा रिवर निकल रही है, नर्मदा रिवर ऐसे होके अरेबियन सी में गिर रही है। इसके बाद में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, क्योंकि नर्मदा रिवर वो एक तरीके से आप बता दो कि ड्रिफ्ट में बहती है, तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है सतपुड़ा रेंज। तो इस सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में जो ड्रिफ्ट है उसमें बहती है आपकी नर्मदा रिवर, और सतपुड़ा रेंज के साउथ में एक ड्रिफ्ट और है यहाँ पे, इस ड्रिफ्ट में बहती है ताप्ती रिवर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बार आपको वापस बता दूँ, नर्मदा रिवर है वो ये सतपुड़ा जो रेंज है ना, एक सेकेंड, ये जो सतपुड़ा रेंज है इस सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में जो आप बोल सकते हो खाई वाली जगह है जिसको, इस वाले एरिया में बहती है आपकी नर्मदा रिवर, और नीचे वाले एरिया में जो खाई है सतपुड़ा रेंज के साउथ में उसमें बहती है ताप्ती रिवर। और सतपुड़ा रेंज की हाइएस्ट पीक कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सतपुड़ा रेंज की हाइएस्ट पीक का नाम है वो क्या है। इसके साथ ही चलो आप बताइए कि जो सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट चलाया गया है वो कौन कौन से स्टेट में चलाया गया है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से एरिया में या कौन कौन से क्षेत्र में चलाया गया है। और आपको एक ये बताना है कि जो वन होर्न राइनो है वो कौन सी लिस्ट में आता है IUCN की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, वनरेबल में आता है या फिर इंडेंजर्ड में आता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज आपके लिए चार क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है वो आज न्यूज़पेपर में भी रिसेंटली थी, वो थी ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में। अभी हमारे जो गृह मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में हम फिर से ऑपरेशन ऑल आउट है वो लेके आने वाले हैं। है क्या ऑपरेशन ऑल आउट? देखो नाम से समझ में आ रहा है मच्छरों के लिए यूज़ करते हैं हम ऑल आउट, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से जो टेररिज्म है इसको हमें ख़त्म करना है, तो आतंकवाद को निपटाने के लिए ही ऑपरेशन ऑल आउट है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो किया जा रहा है, ना कि पूरे इंडिया के लिए, ये ध्यान रखना, ओनली जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को निपटाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे अब थोड़ा स्टेटमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।